कभी उल्टे हाथ से खा लिया यार, बहुत बुरी जगह। कौन सा कारनामे किया जिसकी ये सजा मिल रही है? यार यहाँ आने की बस गलती की है। यहाँ आने की गलती की है? नहीं यार बिलाल, ये गाड़ी देखो, इस तरह की गाड़ी होगी ना बिलाल हमारे पास इंशाल्लाह। एक दिन मैं पेशावर से आऊँगा ना और मेरे पास इसी तरह की एक गाड़ी होगी, फिर मैं आप लोगों को उठा के लाऊँगा। और ये जो है ना, ऊपर चेक करें, ये इटालियन पिज़्ज़ा है, यहाँ पे पिज़्ज़ा खिलाऊँगा। सही है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। 4:10 टाइम है और अभी जो है तैयारी है मुर्गोश्ती जाने की, वो आता है पंजाब में। सो अभी निकलते हैं कज़न की शादी के लिए, जो सामान है वो लाने। सामान कौन सा है वो अपने थंबनेल में देख लिया होगा, फर्नीचर सामान है, उसके लिए हम जाएंगे अभी मुर्गोश्ती। काफ़ी लेट हो गए हैं, जो एक्सपेक्टेड टाइम था वो था 2 बजे और इस वक्त तकरीबन हम कोई 2 घंटे और 10 मिनट लेट हो चुके हैं। जैसे जैसे यहाँ से निकलेंगे तो तकरीबन कोई 10 मिनट और लग सकते हैं और फिर वहाँ से आगे जाएंगे शाम तक, वहाँ पे पहुँचेंगे और फिर वापस वहाँ से आएंगे और यहाँ पर अनलोडिंग करेंगे और फिर यहाँ पे जो है ना सेटिंग वगैरह करेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। सो निकलते हैं, यहाँ से सामान वगैरह आगे लोड करके निकल चुके हैं। तो बस अभी इंशाल्लाह रास्ते में आपको 2-3 क्लिप्स दिखाएंगे और फिर इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के आपसे गपशप करते हैं। अभी बिलाल की तरफ से जो नया स्पेशल केक, जब मैंने खा लिया तब मुझे याद है कि ये तो व्लॉग में आना चाहिए। थैंक यू बिलाल, इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाने के लिए। वहाँ पे क्या खिला रहे हो? वहाँ पे यार देखेंगे। नहीं मेरी तो यहाँ पे दावत है तो मैं उसके लिए पहुँचूँगा, तो बस प्लान कैंसिल करते हैं। अभी चाय शाय पी ली, अब गुजारा हो गया। सनसेट का व्यू चेक करें, हमारे गांव से जब बंदा निकलता है और सनसेट का टाइम हो रहा है तो बहुत ही, ये देखिए कितना हसीन नज़ारा है। जगह हमने चेंज कर ली है, आगे से हम पीछे आ गए ताकि रिलैक्स होके बैठें, और मैंने साथ में जो है ना बिलाल को भी पीछे ले आया और ताकि गप छप हो सके। तो रास्ता तो इतना नहीं, पता नहीं ये क्यों रुक गए। अब ये है कि यहाँ से उरूशी तक पहुँचने में तकरीबन हमारा कोई आधा घंटा से 45 मिनट लगेंगे। बिलाल ये गाड़ी देखो, इस तरह की गाड़ी मेरे पास होगी ना तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको लेके आऊँगा यहाँ पे। इस तरह की गाड़ी होगी ना बिलाल हमारे पास इंशाल्लाह, एक दिन मैं पेशावर से आऊँगा ना और मेरे पास इसी तरह की गाड़ी होगी, फिर मैं आप लोगों को उठा के लाऊँगा। और ये जो है ना, ऊपर चेक करें, ये इटालियन पिज़्ज़ा है, यहाँ पे पिज़्ज़ा खिलाऊँगा। सही है, अगर पिज़्ज़ा ना हो तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। जो है ना हमारा ड्राइवर जो है ना, ये बिलाल ये जगह जो है ना पीछे जो आपको थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, इधर भी फिर इंशाल्लाह आपको लेके आऊँगा। ठीक है, ओए इतने खड्डे के जो पथरी यहाँ पे होती है ना, वो खड़ने का जाएंगे यहाँ पे बिलाल से ही। ठीक है, यहाँ पे लेके आएंगे आपको। ठीक है, ठीक है ब्रो। ठीक है, बस ये याद रखना, फिर मुझे कहना कि वो फ्लाम व्लॉग में आपने बताया था कि यहाँ पे लेके जाऊँगा तो वहाँ हमें लेके जाए। ठीक है, ठीक है। ये बस इंशाल्लाह एक दिन आएगा भाई, यहाँ पर हमें कब लेकर आएंगे आप इस जगह पर? ये जब इंशाल्लाह हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे ना फिर मैं आपको लेके आऊँगा, भले गाड़ी हो या ना हो। 10,000 सब्सक्राइबर जब पूरे होंगे तो इन झूले में जो है ना झुलाने के लिए मैं आपको लेके आऊँगा। ठीक है, जल्दी से कर दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि हम भाई को यहाँ पर लाएँ और इनकी जेब काटें। बड़े तेज हो तो चले। ठीक है बिलाल, मेरा आपसे वादा हूँ कि जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे तो मैं आपको यहाँ पर ले के आऊँगा। ठीक है,
और हो सकते हैं साथ में दरमान हमाद लोग भी हों, क्योंकि वो बीमार हैं, किड्स ब्लॉग पार्टनर्स हैं, तो उनको भी लेकर लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू भाई। One hour later. फाइनली अभी हम पहुंच आए हैं और तरपाल वगैरह जो है वो गाड़ी से हटा रहे हैं ताकि फर्नीचर जो है ईजीली इसमें आ सके। तो थोड़ी देर में आपको फर्नीचर दिखाते हैं जी। तो फाइनली पहुंच आए हैं, अभी जो बिलाल है वो मुआयना कर रहे हैं कि कैसा बना है फर्नीचर। अच्छा बिलाल, ये क्या चीज़ है? ये बेड का ताज है जो पीछे लगे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो अंदर है? जी, वो अंदर। अच्छा, अंदर हमें अभी बिलाल दिखाएंगे। अच्छा, ये है, ये सिंगार मेज है, इसमें जो है ना ये तो मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। अच्छा, और ये सेट है, सोफा सेट है। ग्रेट, ब्रिलियंट, जबरदस्त। और ये इसके साथ है। अच्छा, ये है, और इसके साथ जो है ना एक फिर टेबल का सेट भी है यहाँ पे। ये जो है ना इसका टेबल का सेट है, ये है, अभी तो सही से ये नज़र नहीं आ रहा। ये है और पीछे एक पीस जो है वो पड़े हुए हैं। नमाज का टाइम हो चुका है, अजान हो गई है, तो बस फौरन नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी लोडिंग करते हैं फिर। Ten minutes later. अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ के निकल आए हैं और बिलाल भी हमारे साथ है। बिलाल, इस तरह करें ना कि अभी गर्मी तो नहीं है, ये ठंड है, तो इस तरह कर लें कि जो सामान लाया ना वो जो है ऐसे छोड़ लें, और आपने जो ना जो जिम्मेदारी आपको सौंपी थी तो वो आपने करना है। ठीक है, उससे आप बेफिक्र। हाँ, बस वो काम आपने करना है, बाकी काम हमारे सर है। बिलाल को हमने यहाँ पे फंसा दिया है। ये कहाँ में फंसे हुआ यार? बहुत बुरी जगह। कौन सा कारनामा किया जिसकी ये सजा मिल रही है? यार यहाँ आने की बस गलती की है। यहाँ आने की गलती की है, नहीं आ रहे थे ना तुम? यार मैं तो नहीं आ रहा, तुम। बिलाल के साथ तो हमने मजाक कर लिया, अभी मेरी बारी है, अभी मैं भी यहाँ पे कहीं पे घुसूंगा ताकि जगह मिल जाए। हाँ, ये है, ये जगह है मेरी, तो यहाँ पे मैं ख़ुद को फंसा लूँगा ताकि इजीली यहाँ से घर तक पहुँच सकें। हलीम संग चल लें आपस पर, गरब देर ना और के खा। चले जी, मैं भी अभी चढ़ता हूँ ऊपर। और मुझे तो जो जगह मिली है ना, जो जगह मैंने तकरीबन बनाई थी अपने लिए, ये यहाँ पे तो मैं इजीली लेट भी सकता हूँ। तो भाई चादर मेरे पास है, पूरा इंतज़ाम करके आया हूँ, और जिस तरह नहीं होता कि चैलेंज होता है ना चैलेंज, तो ये भी हमारा तकरीबन कोई एक तो नहीं, लेकिन तकरीबन कोई डेढ़ दो घंटा जो है ना ये हमारा चैलेंज का है कि हम यहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं। लेकिन ये कोई ख़ास चैलेंज नहीं है, ये बिल्कुल इजी माहौल है, इजी सिस्टम है। हाँ, अलबत्ता ये है कि बिलाल के लिए ये चैलेंज है। मेरे लिए यार बहुत मुश्किल है यार। बिलाल कह रहे हाँ, बिलाल कह रहे मेरे लिए बहुत मुश्किल है, चैलेंज है। लेकिन ये है कि बिलाल जो है ना वो सोफे पे बैठा हुआ है। सोफे पे बैठे हो? सोफे पे बैठे हो? हाँ, ये सोफे पे बैठा है, लेकिन मैं सोफे पे नहीं हूँ, मुझे थोड़ी थोड़ी जो है ना ठंड लग रही है। लेकिन खैर, यहाँ पे मैं वीडियो बंद करता हूँ और अपना जो है ना सेटिंग वगैरह वो ठीक करता हूँ, और फिर इसके बाद जो है ना देखते हैं, रास्ते पे मौका मिलते हैं तो मैं वहाँ पे फिर वीडियो बनाऊँगा। A few moments later.
अभी जो है हम पंजाब की हदूद से जो है केपी के हदूद में दाखिल हो रहे हैं, और तकरीबन जो है हमने कोई 15% रास्ता जो है वो तय कर लिया है। पीछे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, मुंह से धुआं निकल रहा है। और जो मेरे साथ बिलाल है वो अभी से इंजॉय कर रहे हैं। अभी जो है सीएनजी स्टेशन पे हम मौजूद हैं और काफ़ी ठंड है। जब गाड़ी रुकी है तो थोड़ी सी ठंड कम हुई है। अलबत्ता ये है कि जब गाड़ी चल रही थी तब जो है ना इधर उधर से हवा आ रही थी और बुरा हाल हो गया। और बिलाल जो है ना, वो बिलाल कहता है कि वैसे तो आप लोग कहते हो कि यार मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, आज आपने नहीं कहा, मैंने कहा आज ये अभी तुम बड़े हो गए हो ना, इसके बाद तो बिलाल का नंबर है ना। क्या ख्याल है बिलाल? हाँ बिलाल, नहीं करना कुछ भी यार, इस एक्सपीरियंस को देख के मैंने यार आगे कुछ भी नहीं करना। अच्छा तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो होता है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो सीएनजी फिल करवा के फिर यहाँ से निकलेंगे। केपी के हदूद में हम दाखिल हो चुके हैं इस वक्त, और फिर इंशाल्लाह इसके बाद जो है रास्ता, अगर कोई बड़ी गाड़ी सामने ना आई तो इंशाल्लाह 45 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। 45 नहीं तो एक घंटा हमारा तकरीबन लगेगा। खैर हमने ये टाइम जो है वो काउंट नहीं किया था जो सीएनजी स्टेशन पे हमारा टाइम लगेगा, इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अभी नहीं पता कि हमारा नंबर कितने टाइम में आता है। वालेकुम सलाम, फिर से गाजी तरवर से दुखा बस कसान मसान राजा मका ना दे नूदरी की कनो मुंग नूदरी को हां ज जबस सही द खा बस तो चल के उखा तो कसान बराबर का कना A few inches later, सामान जो है वो अभी उतार के घर पहुंचा दी गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है कि अभी इसको असेंबल नहीं किया, असेंबल करने के बाद आपको दिखाएंगे।